मैं आपको भाई मानती हूँ, ठीक है, और मैं शादी करूंगा सिर्फ आप ही से करूंगा, और नहीं होगा तो मैं फिर भगा के लेके जाऊंगा। शर्म नहीं आती, मैं तेरी बहन लगती हूँ, कितनी बार बताऊं तेरे को प्यार है। चुप हो जा, समझ आ रही है तेरे? अपनी बहन के साथ हनीमून मनाएगा ना सारी है लिया तो मैंने है? तुम्हारे बातों पे ना मैं यकीन नहीं कर सकता। ये वो लड़का है जिसको बहन का मतलब नहीं पता और कह रहा है मैं अपनी बहन के साथ हनीमून मनाऊंगा। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। और भाई आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं आपको बता देता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में ना आपको एक तो पहले वीडियो देखने को मिलेगी, और उसके बाद मैं देखने को मिलूँगा, और तीसरा आपको ना एक सीख मिलेगी कि दुनिया में मतलब क्या से क्या कुछ हो सकता है। मैं बता देता हूँ भाई बहनों के रिश्ते में, यहाँ पे जो भाई साहब बैठे हुए हैं इनका नाम राजेश है, और इन्होंने दो शादियाँ करी हैं, और इनकी जो पहली शादी थी उनमें से पहला लड़का हुआ था जी, हाँ, और दूसरी लड़की हुई थी। अच्छा, जब आपकी दूसरी लड़की हुई थी तो आपने मतलब दूसरी अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, जो पूछो आप वो बताओ। हाँ, छोड़ दिया था क्योंकि उसको बच्ची हुई थी। ये भाई साहब ऐसे हैं कि ना, ये जो आपने सुना होगा ना कि बच्ची पढ़ाओ बच्ची लिखाओ, मतलब समझ रहे हो, बट ये नहीं है उनमें से। ये चाहते मेरे को कोई लड़की हो ही ना, इनकी सोच को समझ रहे हो कि बस हो तो सिर्फ लड़के हों, नहीं तो लड़की से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको कोई प्यार ही नहीं है लड़कियों से, इनको कोई प्यार नहीं है, सब लड़कों से प्यार है, चाहे 10 बच्चे हो 10 के 10 लड़के हो आपके हिसाब से ना। मैं तो यही चाहता था लड़के ही हो। हाँ, बस लड़की हो गई तो आपने पहली पत्नी को छोड़ दिया। आजकल के जमाना ही ऐसी है कि लड़की एक ना बोझ लगती है। अच्छा, दहेज का जो प्रथा है ना, हाँ, वो दहेज के प्रथा के चलते मैंने गाँव में देखा है कि बाप इतना परेशान होता है और जमीन जायदाद तक लड़कियों की शादी करने के लिए बेच देता है। तो आप चाहते हो कि आपको कोई लड़की हो ही ना, आप चाहते ही नहीं हो, मतलब लड़कियों में आपका कोई प्यार नहीं है, उसे भी संतुष्ट नहीं होते। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको उसे भी संतुष्ट। चलो आपकी एक असलियत तो सामने आ गई कि आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई लड़की हो। अच्छा, आपने जो दूसरी शादी करी, ये मेरे साथ भाई जागृति बैठी हुई है, जागृति ने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने मतलब बाप को बुलाया यहाँ पे, ये भी आपकी पहली पत्नी से या दूसरी पत्नी से? ये दूसरी पत्नी, ये दूसरी पत्नी से, तो ये भी तो लड़की है। इस वाली पत्नी तो को क्यों नहीं छोड़ा आपने? अच्छा, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ पहले से ही। हाँ हाँ, तो जब डिवोर्स दे दिया पहली पत्नी को, हाँ, तो मुझे तो एक साथी चाहिए था। हाँ, मैं मुझे खलने लगा कि साथ में एक साथी होनी चाहिए, मुझे अपने हाथों से खाना बनाना, कपड़े। हाँ, तो मुझे आप ये बताओ, आपने तो दूसरी वाली पत्नी को छोड़ा नहीं छोड़ा? क्योंकि उसको उसमें भी तो आपसे उसमें भी तो आपको एक लड़की हुई है। हाँ, तो दूसरी वाली पत्नी मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। हाँ, हाँ, सुंदर थी, उसे अच्छा लगाव। अच्छा, तो वो सुंदर है, उसको लड़की हुई तो भी आपने नहीं छोड़ा उसको? अच्छा, जो पहली पत्नी थी वो आपकी इतनी सुंदर नहीं थी, आपकी नहीं बनती थी, तो आपने उसको छोड़ दिया? हाँ, और ठीक है, ये तो लड़की हो गई, मैं उसको बोला था पहले से ही। हाँ, लड़का ही। तो अभी आप दूसरी पत्नी को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, वो ज्यादा खूबसूरत है, यही सच है ना अंकल? चलो अब आज मैं आपको एक और सच बता देता हूँ। जागृति, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हारे साथ, एक बार ही बताओ, आज बता दो खुल के। 3 साल से मेरा भाई जो सोतेला भाई है, 3 साल हो गए ना? 3 साल हो गए। ये 3 साल से ये सच अपने बाप को क्यों नहीं बताया आपने? वो कभी मेरी बात को सच समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कभी मेरे को अपनी बेटी मानते ही नहीं है। ऐसा कभी कुछ फील किया ही नहीं कि हाँ कि मेरे पापा जैसे, कुछ ऐसा कुछ अभी नहीं किया। अच्छा। हाँ, जो मेरा सोतेला भाई है वो मेरे साथ ऊंची नीची हरकतें करता है, हाथ पकड़ने लगता है, बोलता है शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा। मैंने कितनी बार समझाया भी है कि भाई मैं तेरे को राखी बांधती आई हूँ बचपन से और तू मेरा भाई है, लेकिन वो इस बात को समझता नहीं है, डांटता है, चिल्लाता है, बोलता है कभी पापा इस बात को सच मानेंगे नहीं, और पापा मानते भी नहीं है सच। अच्छा। और मैंने 3 साल से अभी तक इन लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा, इस बात को सच इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें ही गलत समझेंगे? जी अंकल, ये जो बातें बता रही है, आपका जो लड़का है वो इसको पसंद कर रहा है, इसने तो राखी बांध दिया उसको। अगर ऐसा हो तो गलत है, लेकिन मैं इस बातों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लड़का ना मुझे बहुत, मेरे साथ ऐसा तो कोई व्यवहार कभी करा नहीं, गाँव में चाहे ऐसे शहरों में चाहे गलियों में ऐसे किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। अच्छा, इसलिए उस पे मुझे। आपको पता है आपकी लड़की ने आज आपको यहाँ पे क्यों बुलाया? पहले तो सच बताने के लिए बुलाया, ये मुझे नहीं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ क्यों बुलाया इसने, इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि आज मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ दुनिया के सामने, कल के दिन अगर मैं किसी और के साथ भाग जाऊँ घर से, क्योंकि बालक है वो,
भाग सकती है, शादी भी कर सकती है, अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप लोगों के साथ पता है क्यों रह रही है कि इसको घर में, इसको ना बाप का प्यार चाहिए जो कि आज तक नहीं मिला। चाहते हो ना बाप का प्यार मिलना? चाहते हो ना? हाँ। आज तक नहीं मिला, नहीं। ये चाहती है इसलिए आप लोगों के साथ रह रही है। लेकिन आपका जो पेड़ी पत्नी से जो घिरा हुआ लड़का है ना, वो जो ये हरकतें कर रहा है वो अच्छी हरकतें नहीं है। नहीं। आपके पास पैसा होगा बेशुमार, आपके पास दौलत होगी बेशुमार, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता अंकल, समझ रहे हो? अगर जो चीज़ गलत होगी हम गलत के ऊपर बात करेंगे, एक बार ही नहीं हजार बार ही करेंगे। वो बात तो आज आपका यहाँ पे लड़का आ रहा है जो इसका सोतेला भाई है। हाँ ठीक है, बुलाइए उसको। उसको बुलाने वाले हैं और आप कृपया जो है ना कोने में बैठ जाना, आपको पूरी आवाज़ मिलेगी सुनने को, जो भी यहाँ पे वो बातें करेगा नीच बातें करेगा। ठीक है, अगर प्रूफ हो जाती है ना तो मैं तो उसको अपने ना जायदाद से भी ना बेदखल, आप दखल करो ना करो, अगर मेरे को इसने बोल दिया ना, मैं उस तो साले को दुनिया को बेदखल कर दूंगा अगर इसने मेरे को बोला। ठीक है, वो जो आप सामने देख रहे हो ना जनता, वो ना बहुत समझदार है, उसको पता है किसको उठाना और किसको गिराना है। पता था कि आप फिल्म बना रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिल्म नहीं, अब पूरी आपकी मूवी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, आप और अभी आपको यहाँ से खड़े होके वहाँ पे खड़ा होना है, साबित करके क्या मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आप खड़े हो जाओ, पहले वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, दीवार के पीछे जाओ। जागृति वो आने वाला है, कुछ देर में आने वाला है ना वो, तो उसके साथ सारी बातें करना, उससे ना जितनी भी बातें ना सारी बातें बाहर निकलवाना। कैमरा लगा रखा है, जैसे हमारे पास प्रूफ हो जाएगा ना तो वो गलत साबित होगा, कल के दिन अगर तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत होगी तो कम से कम हमारे पास एक वीडियो होगी। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी उससे ना, ऐसे ना सारी सच्चाई उसके मुंह से निकलवानी है। ठीक है, चलो भाई वीडियो को देखना एंड तक, अगर चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्या प्रॉब्लम है आपके? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, पता है ना आपको? आप मेरे भाई लगते हो, आप पागल वागल हो क्या रवि? मैं आपको बचपन से, मैं पागल नहीं हूँ, पागल आप हो। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने आज पापा को सब कुछ सच्चा बता दूंगी। ठीक है, मैं 3 साल से सब कुछ सहती आ रही हूँ और आज यार मैंने देखो सब कुछ क्लियर बोल दिया। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो एक बार। हाँ। आप शादी आप ही से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। आप मेरे भाई लगते हो, ठीक है, ये सब गंदी हरकतें मत करो। मैं आपको बचपन से मैं नहीं मानता, मैं अपनी बहन नहीं मानता। आप नहीं, मैं भाई मानती हूँ ना, चाहे सोतेला ही सही लेकिन भाई तो मानती हूँ ना। नहीं नहीं, क्यों मानते हो भाई? नहीं मानता पर मैं नहीं मानता, आप क्यों मानते हो? फिर राखी बांधी थी। मैं आपके प्यार में पागल हूँ, मैं आपके प्यार में पागल हूँ। ठीक है, बस मैं ये जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है रवि, मैं आपको भाई मानती हूँ, ठीक है, और भाई मानती थी। मैं शादी करूंगा सिर्फ आप ही से करूंगा और मैं किसी से नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया। यार भाई तू पागल वागल है क्या? मैं तेरे को यार मेरी बात, मेरी बात क्यों नहीं सुनते यार? क्या नहीं सुन रही? मैं करता हूँ ना आपसे प्यार, मैं करता हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ और करूंगा, बस करूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा यार, मैं किसी को भी देख लूंगा, बस किसी को भी मैं देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर किसी को बता रहा हूँ, आग लगा दूंगा इस दुनिया में, आग लगा दूंगा, बस नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। ठीक है, तुम्हारे साथ ही जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही मरूंगा, बस। अच्छा तो मर जा फिर जाके। क्यों मरूं मैं तुम्हें लेके मरूंगा। क्यों मरेगा मुझे लेके? मैं लेकू ना, भाई बोलती हूँ मैं तेरे को। ठीक है भाई, तुम बोलते हो ना, मैं नहीं बोलता ना प्यार, तो तू कुछ भी समझ। मैं प्यार करता हूँ आपसे, बस प्यार करता हूँ आपसे, बस मुझे इतना पता है। मैं तुम्हारे को बहन नहीं मानता। तो मैं भाई मानती हूँ ना। क्यों मानते हो? मैं मानती हूँ, मैंने तेरे को राखी बांधी है। ठीक है, कब बांधी है राखी? अब से बांधी है, 4-5 साल पहले राखी बांधती थी। बचपन में बांधी है ना, तो बचपन गया, बचपन बीत गया, अब ये जवानी आ गई है। ठीक है, ये जवानी का प्यार है। अच्छा, ठीक है, हाँ ये जवानी का प्यार है, वो बचपन था जो बीत गया, रात गई बात गई, भूल जाओ उसको। मुझे प्यार आपसे करना है और आप ही से शादी करनी है और मैं आप ही से शादी करूंगा, बस। अच्छा। ये मेरे को पता है, नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं फिर भगा के लेके जाऊंगा, फिर अच्छा उठा के ले जाऊंगा। शर्म नहीं है तेरे? क्यों शर्म है? तुम्हें शर्म है? तुम क्या? सही करते हो? क्या सही करते हो? मैं तेरी बहन लगती हूँ, ठीक है, मैं मानता ही नहीं बहन। क्या मैं मानती हूँ ना? तू नहीं मानता तो मैं मानती हूँ ना। यार क्यों दिमाग मेरा खराब कर रहे हो यार? क्यों क्यों? क्या दिमाग खराब कर रही हूँ? क्या दिमाग खराब कर रही? बस क्या, बस मैंने समझा दिया ना, तो मैंने समझाया ना, मैंने ना? नहीं चुप, नहीं चुप, एक बार मैंने बोल दिया ना तो बस, तो मैंने बोल दिया, मैं दोबारा नहीं सुनता किसी की, मैं दोबारा नहीं बोलता, दोबारा नहीं बोलता। ये कोई तमीज है ना तुम्हारी बोलने की?
तेरे अंदर तमीज है क्या? बहन को क्या बोल रहा है? शर्म नहीं है क्या तेरे अंदर? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूंगा, ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो बस। मैं शादी के बाद क्या होता है? तू वो मेरे साथ करेगा? हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, करूंगा। हाँ शर्म नहीं है तेरे अंदर? क्यों शर्म? शादी के बाद हनीमून जाते हैं, तू के साथ मेरे साथ हनीमून जाएगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी तो बहन के साथ ही हरकत करते हुए? क्यों क्यों शर्म आएगी? एक पति का फर्ज क्या है? अच्छा वाइफ को लेके जाना हनीमून में जाना, अच्छा, वो सब करना जो शादी के बाद होता है, तो तू ये हरकतें करेगा? हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, कुछ भी हाँ करूंगा। मतलब कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं सर, शर्म नहीं। जब तेरे मतलब तेरे घर में फैमिली में मेरे माँ, मेरे नहीं। माँ को मेरे बाप को पता यार तब मेरा तेरे को क्या जलील, तेरे को कुछ मतलब महसूस होगा या नहीं होगा? समझ क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं समझ आती है? समझाया ना मैंने एक बार? क्या समझाया? हाँ मैं सब कुछ वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं प्यार में सब कुछ करूंगा, शादी करूंगा, लेके जाऊंगा, हनीमून में भी जाऊंगा, वो जगह जगह भी घुमाऊंगा। मैं तेरे को भाई मानती हूँ, ठीक है, समझ ले, मैं नहीं मानता। तो मैं नहीं मानता, शादी करूंगा सिर्फ तेरे से करूंगा। अच्छा? और किसी चीज से नहीं करूंगा। मैं नहीं करना चाहती, और किसी से नहीं करूंगा शादी। अगर मैं ये बात अपनी फैमिली में बोलूंगी तो तेरे को क्या लगेगा बता? जो मर्जी लगे, मुझे कोई लेना देनी नहीं है। मैं अंधा हूँ, मैं सिर्फ आपके प्यार में बस, मुझे तुम्हारे शादी करनी है और करनी है। नहीं है शर्म, मुझे शर्म है ही नहीं प्यार में, क्या शर्म करना। अच्छा तो बहन से प्यार तो अंधा होता है, बहन से प्यार करूंगा, हाँ करूंगा, नहीं मार सकता, नहीं करूंगा, प्यार करूंगा। हाँ ठीक है, मतलब तुम मुझे मानो, तुम मुझे नहीं मानो भाई, मैं नहीं मानता बहन नहीं मानेगा, तुम मुझे भाई मानो, मैं तुम्हें बहन नहीं मानता। अच्छा तू नहीं मानता तो मैं भाई मानती हूँ? वो बचपन की बातें भूल जाओ, बचपन में भाई मानती हूँ, बचपन में राखी बांधी थी। हाँ तो राखी एक बार राखी बनती है ना तो उसका मतलब क्या होता है पता है तेरे को? वो बचपन था जो बीत गया। अच्छा, अब ये जवानी है, ये जवानी है, मार सकता है। क्यों मारूं? मैं मुंह मारने का काम करता हूँ क्या? तो मुंह मारने का काम करता हूँ? मतलब तुझे ये नहीं दिखाई देता कि कोई कौन बहन है कौन कौन है, कुछ पता नहीं है? नहीं दिखाई देता मुझे, नहीं दिखाई देता मुझे। क्या नहीं दिखाई देता? क्या नहीं दिखाई देता? हाँ नहीं दिखाई देता ना मुझे। पास क्यों आ रहा है? क्या दिखाई नहीं देता? क्यों पास नहीं आ सकता? क्या क्यों आएगा पास? क्यों पास? ये लो, लो, हाँ लो, क्यों आएगा? नहीं नहीं ठीक है। क्या ठीक है? समझ में नहीं आती क्या? क्या समझाना पड़ेगा क्या बार बार? क्या समझाना पड़ेगा बार बार? जब मैंने बोल दिया शादी करनी तो तुम्हारे से करनी और किसी से नहीं करनी। अच्छा तू मुझसे शादी करेगा? शर्म नहीं आती? मैं तेरी बहन लगती हूँ ठीक है ना? ये सब हरकतबाजी मत कर ठीक है? प्यार समझाया ना? क्या क्या समझाया? क्या ये सब हरकतबाजी मत कर ठीक है? बोल दिया ना मैंने एक बार? ये सब एक बार मैंने बोला है ना? मैं बोला है ना हरकतबाजी मत कर ठीक है? मैं गुस्से से ले जाऊंगा उठा के, बता रहा हूँ। हाँ ले जाऊंगा, हाँ ले जाऊंगा। शर्म नहीं आती तेरे को ये सब करते में? शर्म शर्म क्यों आ रही है मेरे को? अच्छा क्यों आ रही है शर्म मेरे को? प्यार करता हूँ ना, प्यार करता हूँ ना तेरे से, करता हूँ ना प्यार, शर्म नहीं है बिल्कुल, भाई बोलती हूँ। तेरे से शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, मैंने बता दिया बस। कुछ भी कुछ भी तू मेरा ठीक है? मैं नहीं मानता, बाहर में रह, मैं नहीं मानता बहन, मैं नहीं मानता बहन, मैं नहीं मानता बहन, तो मैं मानती हूँ ना, नहीं मानता मैं, मैं मानती हूँ ठीक है? तू मानना, तू मान, मैं नहीं मानता, मैं मानती हूँ तुझे भाई, नहीं मैं तेरे से प्यार करूंगा बस। अच्छा मैं वो सब करूंगा जो शादी के बाद में हर पति जो पत्नी को लेके जाता है ना घुमाने फिराने, जो हनीमून के साथ करता है, मैं सब करूंगा तेरे साथ। हाँ करूंगा। अच्छा तेरे को शर्म नहीं आएगी? क्यों आएगी शर्म? मैं तेरी बहन लगती हूं। पति को पत्नी से शर्म आती है क्या? मैं तेरी बहन लगती हूं। एक पति को पत्नी से शर्म आती है? तो मैं तेरे से करूंगा तो तू कहीं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ? क्यों परेशान कर रहा है इसको? मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मानती नहीं है, इतनी देर से समझा रहा हूँ इसको, तब से मैं इसको समझा रहा हूँ। मैं खड़ा हो जा, पार्क में प्यार करने आया? हाँ प्यार करने आया हूँ। प्यार करने आया हूँ मैं? कैसे करते प्यार? कराऊँ? कराऊँ तेरे को प्यार? है कराऊँ तेरे को प्यार? जरा प्यार कराऊँ तेरे को? जरा क्या है वो तेरी? क्या वो क्या वो तेरी? मेरा बहन के साथ हनीमून पे जाएगा? जाऊंगा बहन के साथ हनीमून? हाँ जाऊंगा। क्या पीछे हो जा, तेरे बाप को पता है हरकतें करता है इसके साथ? तेरे बाप को पता है? बाप को पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? बताना अपने बाप को। क्यों बताऊं? तेरे बाप ने दो शादियां करी है साढ़े, तू भी करी होगी? हाँ करी होगी। टुच्ची हरकतें कर रहा है अपनी? हाँ करूंगा। हमारी टुच्ची हरकतें होती है किसी से प्यार करना? ये प्यार प्यार किसके साथ होता है? बहन के साथ प्यार होता है? ये मेरी बचपन, ये बचपन में राखी बांधी है इसने मेरे को, बचपन में तेरे राखी इधर आ। अगर एक कोई किसी की बहन दुबई में रह रही हो और किसी का भाई इंडिया में रह रहा हो और तीन साल पहले राखी बांधी हो और तीन साल में राखी नहीं बांधी तो वो उसकी बहन नहीं होगी? होगी नहीं? वो सब पुरानी बात है, पुरानी बात है। ये तो भाई बोलती है ना, तो भाई होके ये बोलती है ना, पर मैं नहीं बोलता ना इसको, मैं तो इसे प्यार करता हूँ ना, सच्चा प्यार करता हूँ ना। तो ये तो नहीं करती, जबरदस्ती करेगा? अगर एक लड़की तेरे को भाई समझती है उसके साथ ही शादी करेगा? हाँ करूंगा। क्यों करेगा? करूंगा शादी।
हाँ करूंगा इसी ज्यादा पैसे का तेरे में लालच आ रहा है क्या? तेरे बाप के पास ज्यादा पैसा है क्या? मुझे नहीं पता पैसा है नहीं है, लेकिन मैं शादी करता हूँ बस। मैं शादी के बाद शादी के साढ़े मैं ना तेरा गला घोट के मार दूंगा। यहाँ पे समझ आ रही है तेरे जितनी हरकतें कर रहा है यहाँ पे? क्या समझ आ रही है? चुप हो जा। समझ आ रही है तेरे? ज्यादा ना बने मत। तेरे जैसे ना पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। अपनी बहन के साथ हनीमून मनाएगा है पीछे हो? अरे मार मार के ना तेरा कबाड़ा कर दूंगा यहाँ पे खड़े पैर। क्यों परेशान कर रहा है इसको? करियो कैसे बात करनी है? बहन से कैसे बात होती है? बहन से बात कर अपनी। मैं करूंगा इसे शादी। कर कर करूंगा कर। मैं इसको जूता उठा के ना तेरे सर पे मार दूंगा। कितनी उम्र है तेरी? इधर आ। कितनी उम्र है तेरी? है 30 साल। 30 साल है तेरी? कितनी है? मेरी 19 साल है। साढ़े कितनी 11 साल से बड़ी लड़की छोटी लड़की से शादी करेगा? शर्म आएगी तेरे को करते हुए? इससे 20 साल पहले बुड्ढा हो जाएगा फिर क्या करवाएगा? जवानी में इसकी दूसरी शादी करवाएगा? प्यार है ना, प्यार तो अंधा होता है ना। शादी करवाएगा? प्यार है ना, मैं से इतना भी अंधा नहीं होता। बहनों से शादी करते हैं, बहनों के साथ शादी नहीं होती। हर सौतेली बहन है, मतलब जो भी है बहन है ना तेरी। तो मैं इसे प्यार अब से थोड़ा करूं। 5 साल हो गए इसे प्यार करते करते। अच्छा, और इसको राखी बांधते कितने हो गए? 4-5 साल से। बचपन में राखी बांधी है। जो ढंग से याद नहीं है। राखी बांधी है, तू चाहता है उसी के साथ शादी करूँ और उसी के साथ बच्चे करूँ, ये चाहता है? हाँ करूँगा। और तेरे को इस बारे में किस थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही। क्यों शर्म आएगी? तेरे को थोड़ी अक्ल है? क्यों शर्म आएगी? तेरे को थोड़ी अक्ल है कि बहन का मतलब क्या होता है? नहीं मुझे नहीं पता। बकवास कर रहा है, पीछे हो साढ़े। तेरे ना क्या तेरे बाप को, तेरा बाप आके तेरे को आज समझाएगा कि तेरे दिखा कितनी दिखाएगा? साढ़े थप्पड़ खा जाएगा। समझ आ रही है तेरे? इधर आ बोल रहा हूँ ना, शांति में रहे। अंकल एक बार इधर आना, इधर आ। तेरा बाप तेरे को समझाएगा कि आज बहन का मतलब क्या होता है। बात कर से सारी है। पाप आ गया तेरा, कर बात। क्या हो गया? गुंगा हो गया तूने? ना गुंगा हो गया ज्यादा? पानी फेर दिया तूने? गुंगा हो गया आज? मैं आज तक ना तुमको शरीफ समझता रहा, तूने आज मेरे इज्जत का मिट्टी मिला दिया। ये बता ऐसे होता है? ये बहन है तुम्हारी? शर्म नहीं आती इसको? अरे तो बहन से फिर प्यार करेगा? बहन से प्यार वार छोड़। ये बहन लगती है तुम्हारी? पापा देखो, आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। अब आपके सामने सामने आ चुका है, ठीक है? आज तक अपनी बेटी को गलत समझते थे ना, आज तुम्हारे सामने तुम्हारे बातों पे ना मैं यकीन नहीं करता था। ये देख लो, ये पागलों की तरह आपको 5 साल से समझाती रही कि इज्जत का मिट्टी मिला दिया तुमने। अब नहीं करूं, अब नहीं करूं। मैं आज तक तुमको ना शरीफ समझता है। शरीफ क्या क्या है इसकी? और इसकी क्या लगती है तेरी? मानता नहीं। क्या लगती है तेरी? हमेशा ये बात बताती थी मुझसे, लेकिन मैं इसके बातों पे मैं यकीन नहीं करता था। ये आपका लड़का, इसको ये नहीं पता कि बहन का मतलब क्या होता है। साढ़े इधर देख, बहन का मतलब पता है कि नहीं? इसको तो मैं मारूंगा, इसको घर पे ले जा के ना लात मार के ना साढ़े यहाँ से पार्क से बाहर कर दूंगा तेरे को 2 मिनट में। तूने इज्जत का मिट्टी मिला दिया है तूने? पापा सॉरी बोलता हूं, मेरा इज्जत का मिट्टी मिलाया है तूने? मैंने नहीं मिला। ये तुम्हारी, ये आपकी औलाद है, ये आपकी औलाद है। बोला था आप मेरी बात पर यकीन? मैं इसके बातों पे कभी यकीन नहीं किया, मैंने तुम्हारे पे हमेशा विश्वास किया। ये वो लड़का है जिसको बहन का मतलब नहीं पता और कह रहा है मैं अपनी बहन के साथ हनीमून मनाऊंगा। इज्जत लौट आएगा ये बता? मैं तुम्हारे वजह से इसके बातों पे मैं यकीन कभी नहीं करता था, क्योंकि तू ऐसे ही भोला भाला शकल। इधर उधर ना मत देख। और पांव छूने से इज्जत वापस आएंगे कभी? ये औलाद है तुम्हारी साड़ी औलाद के नाम पे ना पाया साड़ा। तुम्हें तो अभी घर ले जा करके ना अंकल इसको यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो साड़े के ना मार मार के ना। मैं माफी मांग सारे माफी मांग चले माफी मांग अपनी बहन से माफी मांग नीचे बैठ के बैसी सिखाऊं तेरे को नीचे बैठ सॉरी बोल उसके नीचे बैठ। समाज में बहन है तेरी? बहन बहन के पता है क्या करते हैं? बहन के खाने लायक नहीं, बहन के चरण धो के पीते हैं। क्या करते हैं? चरण धो के पीते। और तूने कौन सी हरकत करी है? गलत। कौन सी हरकत करी है? गलत करी है। नालायक औलाद, मुझे नहीं पता था ऐसी हरकतें करेगा तू। ये भोली भाली साले बहन के चरण छू के पी नहीं सकता, कम से कम ऐसी उल्टी हरकतें तो मत कर।
है, कौन जी कौन नहीं कर सकता ये हैं जी, हेलो कौन नहीं कर सकता, मेरी बातों पे यकीन नहीं किया ये। आज पता लगा कि लड़कियों के साथ क्या क्या, इधर 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 इधर, आज पता लगा कि लड़कियां कितना दुख सहती हैं। भाई साहब मुझे तो यकीन ही नहीं था, लेकिन आपने मेरे, हो गया आपको यकीन, आपने मेरे संतुष्टि हो गई आपकी, आपने खोल दिया, शुक्र है खुल गई आपका, शुक्र है खुल गई, नहीं तो आप ऐसे बाप अपनी बेटी से ही शादी कर लो, शुक्र है खुल गई आपके, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आज के बाद मैं आपको हाथ जोड़ के ये बोलूंगा कि आप प्लीज लड़के और लड़की में फर्क मत समझो, हाथ जोड़ रहा हूँ। ये तो नाश करके ही छोड़ता पापा, मुझे माफी दो, एक आप हो कि मेरी आंखों की पट्टी खोले, नहीं तो मैं तो ये भी ये आपको यहाँ पे लेके आई आपकी लड़की, अगर आज आपकी आंखें खुली है ना तो आपकी लड़की के चक्कर में, और इसके इधर आओ, इसके बातों पे मैं कभी यकीन नहीं करा, नीचे बैठ, ये हमेशा बताती रही कि ये ऐसे हरकतें, आज आपकी जो आंखें खुली है ना आपकी लड़की की वजह से खुली है, जिस लड़की को आप गलत समझते हो, लेकिन इसमें आपकी बहुत अच्छा यकीन नहीं किया कभी भी कि आपने मेरे पट्टी खोल दिए, इतना पैसे का लालच मतलब अपने अंदर आपके, तो मैं शुक्र गुजार रहूंगा जिंदगी भर, शुक्र गुजार रहूंगा, कोई नहीं रो मत, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं रोते नहीं है मेरा, अपनी बेटी को कभी बाप का वाला प्यार दिया नहीं, कभी इसको गले लगाया, कभी लगाया गले, कभी पापा ने गले लगाया, मैं तो आज लगा लो जी गले, इसको भी पता लगे मेरा भी कोई बाप है। चुप जा मेरे, तुम्हारे बातों पे मैंने कभी यकीन नहीं करा, नलायक भोला भला शक्ल लेकर के गलियों में, मैं तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करता था कि ऐसा काम करेगा, तो ना आज के बाद इस, आज के बाद इसने कोई भी हरकत करी है ना, खड़ा हो बोल, आज के बाद मैं राखी बनवाऊंगा, नीचे बैठ, नीचे बैठ, बोल आज के बाद मैं खुद राखी बनवाने आऊंगा, आज के बाद मैं खुद राखी बनवाने आऊंगा, और जो मैंने जलील हरकत करी थी ना उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, जो मैंने जलील हरकत करी थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी साले अंग्रेजी सिखा दूं तेरे को, मैं उसे क्षमा चाहता हूँ, इधर आके इसको बोल के आज के बाद मैं खुद राखी बनवाने आऊंगा, आज के बाद मैं खुद राखी बनवाने आऊंगा, और साले अक्कड़ मत दिखा, इधर देख अक्कड़ तेरी 2 मिनट में निकाल दूंगा भाई, सॉरी सॉरी माफी, चल अभी तुम्हें घर पे अभी रिमांड लेता हूं, इसकी रिमांड आप लो, नीचे बैठ, या इसको मेरे को दे दो, 2 मिनट 2 मिनट मेरे को दे दो, इसका ना ये वाला हाथ निकाल दूंगा ना तेरा, जब नहीं बंद माफी मांग रहा तो मेरा नाम आज के बाद नहीं होना चाहिए अंकल, इसको लेके जाओ यहाँ से, इसको तो 4 लेके जाओ, कमरे में ना अपनी बेटी को भी प्यार दो, भूखे प्यासे ना कमरे में बंद करके तुम्हारा रिमांड लेता हूँ, नलायक औलाद कहीं का, चल चल बेटी लेके जाओ, चल 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 मुंह मत बना नलायक, ये वो बाप था जो चाहता है कि मेरे को कोई लड़की ना हो, और ये वो बाप है जो अपनी बेटी को कभी प्यार ही नहीं दिया, और ये वो बाप है जिसने एक की जगह दो दो शादियां करी, और ये वो बाप है जिसकी अभी आंखें खुल गई उसी की बेटी की वजह से, भाई बट लड़कियों की इज्जत करना सीखो, और वीडियो में क्या समझ आया प्लीज़ हमें बता देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज मैं कैसा लग रहा हूँ ये भी बता देना, कुछ नया ट्राई करा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।